उनकी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना और ये बताना कि मैं गृह मंत्री के अलावा मैं और कुछ भी हूँ। वो वीडियो सबने देखा है जिसमें गृह राज्य मंत्री खुद कह रहे हैं कि मैं गृह राज्य मंत्री तो हूँ, सांसद हूँ, विधायक हूँ, लेकिन इसके अलावा भी कुछ हूँ। तो ये जो अहंकार है, घमंड है, वो इसलिए है क्योंकि वो सरकार में है और सरकार दोनों जगह है, दिल्ली और लखनऊ में है सरकार, और सरकार के ताकतवर होने के वजह से इतना अहंकार उनके अंदर है कि जिन लोगों की जान गई है और जिन पे आरोप लगे हैं, जो गाड़ी चला रहे थे, गृह राज्य मंत्री के बेटे पे आरोप है, FIR दर्ज हो गई, तो अब गिरफ्तारी के लिए सरकार क्यों पीछे हट रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे पे आरोप है तो वो गिरफ्तार नहीं होगा। ये गिरफ्तार इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी सरकार दोनों जगह है, इसीलिए गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। और ये पहला उदाहरण आपको देखने को मिलेगा गोरखपुर का, जहां पुलिस पे आरोप है, मुख्यमंत्री जी की अपनी गृह जनपद का मामला है, जब वहां पर एक व्यापारी को न्याय नहीं मिल रहा है, जो पीट पीट करके मार दिया गया, पुलिस फरार है, तो जिस पुलिस पे हम और आप भरोसा करते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा, और वही पुलिस जान ले ले। और यहाँ तो देखिए कि गृह राज्य मंत्री जिसके जिम्मेदारी ये है कि कानून व्यवस्था बेहतर हो, पुलिस का कामकाज अच्छा हो, अखिलेश जी, और वही पुलिस मदद ना कर रही हो इसलिए गरीब को न्याय मिले, इससे भरोसा बढ़ेगा। न्यायी के दोषी कौन है? भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे। आपने क्या भरोसा दिया परिवार को? आपने परिवार को क्या भरोसा दिया? मैं पार्टी की तरफ से मदद करूंगा, तीनों परिवारों से मैं मिल लूं, उसके बाद भी परिवार की मदद होगी। और मैंने परिवार को भरोसा दिलाया है कि सरकार ने जहां मदद की है, समाजवादी पार्टी ने 2 करोड़ की मांग की थी कि 2 करोड़ परिवार को प्रति मदद हो, सरकारी नौकरी दें। अगर ये सरकार नहीं मदद करती है तो समय आने पर समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो मदद करने काम लोग करेंगे।